एक तरफ बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत के आंकड़े, दूसरी तरफ 30 लाख बच्चों की परीक्षा का आयोजन। सभी के मन में एक दुविधा थी कि आखिर महामारी के समय में ये परीक्षा कैसे होगी और क्या ये समय सही है परीक्षा कराने के लिए, क्या इसे टाला नहीं जा सकता। इसको लेकर लगातार सवाल भी पूछे जा रहे थे और दबाव भी बनाया जा रहा था। आज आखिरकार CBSE ने 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया। स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते आंकड़ों के चलते लगातार चिंता बढ़ रही है। हर राज्य में महामारी का प्रसार होता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था के कारण संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं समुचित इलाज न होने के कारण मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। यही कारण है कि कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू तक लगाया। जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सेवाओं को बंद किया जा रहा है। यही वजह थी कि 4 मई से शुरू होने वाली CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को टालने की मांग जोर शोर से उठ रही थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने CBSE से कई बार ट्वीट करके परीक्षा टालने की मांग उठाई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी परीक्षा टालने का अनुरोध करते हुए कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो परीक्षा केंद्र महामारी के हॉटस्पॉट बन जाएंगे। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी परीक्षा टालने की मांग का समर्थन किया था। यही नहीं, छात्रों और अभिभावकों ने ट्वीट कर परीक्षा टालने के लिए अभियान भी चलाया था। आखिरकार आज ये दबाव काम आया और CBSE ने 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया। CBSE 10वीं के पेपर जो कि 4 मई से 14 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया है। बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। देश के कई राज्यों ने अपने प्रादेशिक बोर्ड की परीक्षाओं को पहले ही टाल दिया था और सबकी नज़र CBSE के फैसले पर टिकी थी। DB लाइव की रिपोर्ट।